हाँ तो यार, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने एक ट्रेडिंग हॉल, एक स्टोरेज हॉल और एक मार्केट बनाई थी, और आज की इस वाली वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर, जो कि होगा नेदराइट का, जिसपे लगी होगी माइनक्राफ्ट की मोस्ट पावरफुल एन्चेंटमेंट्स। और आज की इस वीडियो में हम मारने वाले हैं एंडर ड्रैगन को। तू कहाँ से आ गया? और मैं लाने वाला हूँ इलाइड्रा। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं सर्वाइवल सीरीज एपिसोड 4 को। तो मैं वापस आ चुका हूँ उसी जगह पे जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम गेम बंद की थी। और आते ही मैंने क्या किया, मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने ढेर सारा पेपर ट्रेड किया और शार्पनेस 4 वाला विलेजर बाहर निकल गया, तो मैंने बड़ी मुश्किलों से उसे अंदर धकेला। और वो अंदर जाने वाला था कि इस फ्लेचर को पता नहीं क्या तकलीफ हुई, खुद तो बाहर आया, लाइब्रेरियन को भी ले आया। देन फाइनली मैंने दोबारा से इसे कैदी बना लिया। देन मैंने यहाँ पे एक एनविल और ग्राइंडस्टोन रखा और पावर 5 की बुक डिसएन्चेंट की, क्योंकि लूटिंग 3 की बुक लेने के लिए मेरे पास बुक ही नहीं थी। और ये लूटिंग 3 एक सोर्ड पे मैंने शायद एक ट्राइडेंट के लिए लगाई थी, पर जब मैं नदी में आया तो मुझे एक भी ड्राउन नहीं मिला, तो मैं चुपचाप वापस चला गया। देन मुझे एक घोड़ा मिला जो थोड़ा स्लो था पर फिर भी चलेगा, तो मैंने उस घोड़े के लिए एक प्यारा सा घर बनाया, उसे उसका घर दिखाया और वो इस घर में बहुत खुश था और यहाँ से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल नहीं चिल्ला रहा था। चल झूठा। देन मैंने हर लाइब्रेरी के ऊपर एक एक साइन बोर्ड लगा दिया जिससे पता चले कि वो कौन सी बुक दे रहा है। अब मैं बनाने वाला था एक क्रीपर फार्म, जिसके लिए मुझे कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, तो मैंने 10x10 के एरिया को Y0 तक माइन किया, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टोन और कोल जैसे रिसोर्सेज भी मिले। देन मैंने इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखते हुए अपनी माइनिंग को कंटिन्यू रखा। आह यार, आजकल की औलाद अपने बाप को ही पछाड़ देती है। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के बारे में सोचा कि मैं 151x151 का एक बहुत बड़ा पिरामिड बनाऊंगा, पर अभी रिसोर्सेज की कमी की वजह से इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करने वाला। बट इन फ्यूचर जब मेरे पास बीकन और इलाइट्रा जैसी चीज़ें आ जाएंगी तो मैं इस प्रोजेक्ट को ज़रूर कंप्लीट करूँगा। पता नहीं क्या सोच के मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया था, पर जल्दी मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये काम बीकन के बगैर इतना आसान नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाने के बाद भी मैं थोड़ी सी जगह खोद पाया था। नेदर में एक ब्लैक ड्रैगन कहीं पे खो चुका था तो मुझे उसे लेने जाना पड़ा। देन मॉब फार्म बनाने के लिए जो जो रिसोर्सेज चाहिए थे वो सब के सब मैंने यहाँ से कलेक्ट कर लिए। मैं मॉब फार्म एक बहुत बड़े ओशन में बनाने वाला था, जहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने एक नेदर पोर्टल बनाने का फैसला किया, और उसके लिए ऑब्सिडियन कलेक्ट करने के लिए मैं एक केव में आया। देन मैं नदी से होते हुए मॉब फार्म के लिए एक अच्छी सी जगह कलेक्ट करने चला गया। रन। ओशन में पहुंच के मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, देन मैंने कंजूसी वाली नेदर पोर्टल बनाई। पूरे 4 ब्लॉक्स बचाए मैंने, पूरे 4 ब्लॉक्स। विलेज वाली पोर्टल को इसके साथ कनेक्ट करने के लिए मैंने एक रास्ता बनाया और मैंने मॉब फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी फाइनली मॉब फार्म कंप्लीट हो चुका है और मैं यहाँ पे AFK करने के लिए खड़ा हूँ। अभी मुझे जो गन पाउडर मिलने वाला था उसे मैं यूज़ करने वाला था नेदराइट माइनिंग में, तो काफ़ी ज़्यादा देर AFK करने के बाद मेरे पास कोई 7-8 स्टैक गन पाउडर जमा हो चुका था। और गन पाउडर उठा के जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे ट्रोल फिर रहा है, तो मैंने उसे मार मार के भगा दिया यहाँ से, बट जाते जाते वो मेरे घोड़े को मार गया। मैं एक अच्छा इंसान हूँ तो मैंने उसे माफ़ कर दिया और मैंने ढेर सारा TNT बनाया।
नेदरराइट माइनिंग के लिए मैंने ढेर सारा TNT बनाया और नेदर में जाके माइनिंग स्टार्ट कर दी। मैंने ऑलमोस्ट 2.5 stack एंशिएंट डेब्रिस यूज करके 40 TNT की माइनिंग की थी और अब बारी थी अपना नेदरराइट आर्मर बनाने की। पर पता नहीं क्यों उससे पहले मैंने कुछ और ट्राई करने की कोशिश की, बट ये ट्रिक काम न की। मैं सोच रहा था कि नेदरराइट इंगट से भी नेदरराइट की चीजें बन सकती हैं, बट ये सिर्फ हमें डायमंड के ऊपर लगाना पड़ता है। तो मैंने जल्दी से अपना नेदरराइट आर्मर कंप्लीट किया। एंड फाइनली मेरा आर्मर कंप्लीट हो चुका है और इस वर्ल्ड में मैं सेकंड नंबर पे हूँ जिसने नेदरराइट आर्मर बनाया हो। फर्स्ट नंबर पे ब्लैक ड्रैगन है, बट अभी भी मेरा आर्मर स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है क्योंकि ड्रोल नाम का एक शख्स है जिसके पास इस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर है, बट वो डायमंड है। बट उसके पास थ्रोन्स, रेस्पिरेशन 3 और एक्वा एफिनिटीज जैसे एन्चेंटमेंट्स भी हैं जो मेरे आर्मर पे नहीं है। देन मुझे एक एंडेजस बनानी थी जिसके लिए मेरे पास ब्लेज रोड नहीं थे, तो मैं जल्दी से नेदर फोर्ट्रेस में आया। देन यहाँ पे मैंने विदर स्केलेटन्स और ब्लेजेस को इतना मारा जितना मारा जा सकता था, लेकिन फिर भी कितना ही मारा जा सकता था। देन मैं वहां से 20 ब्लेज रोड और 4 विदर हेड लेके आया। वो सब विदर हेड मैंने एंडर चेस्ट में रख दिए और मैंने एक और काम भी किया जो कि था अपने आर्मर पे थ्रोन्स, रेस्पिरेशन 3 और एक्वा इन्फिनिटी लगाना। बट उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ है? बताओ ना कहाँ है? चुप क्यों? बोलते क्यों नहीं? बताओ कहाँ है रिकॉर्डिंग, कहाँ है? मैनेज ने यहाँ पे एक अजीब सा पहाड़ बना रखा था स्टेयर से जो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसे एक ब्रिज बनाने का फैसला किया। और मैनेज ने जो पीछे ब्रिज बनाया था उसी डिज़ाइन को मैं आगे कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। देन मैंने इस जगह को साफ किया और ब्रिज का काम कम्प्लीट कर दिया। अब मुझे गोल्ड फार्म को 2 लेयर्स का बनाना था, तो इसीलिए मैं ऑब्सीडियन लेने एक केव में आया। मैंने इस गोल्ड फार्म को कंप्लीट किया। ईगल नाम के कुत्ते प्लेयर ने हमारी वर्ल्ड को ज्वाइन किया था और उसने हमारे साथ खेलना था, पर उस कुत्ते प्लेयर ने हमारे साथ खेला नहीं, उल्टा हमें नुकसान पहुंचाया। उसने मेरा सारा का सारा गोल्ड फार्म, ट्रेडिंग हॉल, स्टोरेज हॉल, मार्केट और सब कुछ बर्बाद कर दिया था। मैंने आज तक कई प्लेयर्स के साथ माइनक्राफ्ट खेली है, बट उनमें से कोई भी इस बंदे जैसा बेगैरत नहीं था। हमने इस कुत्ते दल्ले बेगैरत हरामजादे कमीने को इसलिए ऐड किया था कि ये हमारे साथ खेलेगा, लेकिन फिर भी इस कुत्ते दल्ले हरामजादे कमीने ने अपनी औकात दिखा दी और इसने मेरी सारी की सारी बेस तबाह कर दी और इस ईगल ने गेम लीव कर दी। उसके बाद ड्रोल और उसके दोस्त मेरी मदद करने आए। जब ये लोग आए तो मेरा दिल कर रहा था कि इन्हें मार मार के भगा दूं, पर मेरा काम बन रहा था तो मैंने इन्हें कुछ नहीं कहा। और इस सब की रिकॉर्डिंग का मुझे नहीं पता। ये गोल्ड फार्म कंप्लीट करने के बाद मैंने नीचे एक ट्राइडेंट किलर बना दिया जिससे ये मॉब्स जल्दी जल्दी मरते रहें और मुझे XP मिलती रहे और मैं AFK करूं और मुझे कोई काम ना करना पड़े। पता नहीं क्यों पर मुझे लग रहा था कि ये वाला गोल्ड फार्म पुराने गोल्ड फार्म से स्लो है। अब सब रेडी थे एंडर ड्रैगन को मारने के लिए, पर मेरे पास एंडर आइज ही नहीं थी। फिर मैंने ढेर सारी वुड कलेक्ट की और उस वुड की स्टिक्स बना के मैंने फ्लेचर को भेज दी और ढेर सारे एमरल्ड बटोर लिए। पता नहीं क्यों पर ब्रूइंग स्टैंड में फंसा हुआ एक क्लेरिक मैक्स था और वो एंडर पर्ल बेच रहा था, तो मैंने इससे 10 एंडर पर्ल खरीद लिए क्योंकि सक्लैन यानी ब्लैक ड्रैगन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होल्ड तक जा चुका था और उसने कुछ एंडर आइज शायद पोर्टल में लगा भी दी थी या शायद नहीं लगाई थी कि नहीं पता नहीं। एंडर पर्ल मैंने खरीद लिए थे। उसके बाद मैंने कुछ गोल्डन एप्पल्स बनाए क्योंकि एंडर ड्रैगन से फाइट के दौरान मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा जाने वाली थी क्योंकि मैं एंडर ड्रैगन को बहुत ज़्यादा पहचानने वाला था या शायद एंडर ड्रैगन मुझे बहुत ज़्यादा पहचानने वाला था। देन मैंने यहाँ से एंडर चेस्ट तोड़ी तो मुझे पता नहीं क्यों एंडर चेस्ट की जगह ऑब्सीडियन मिल गए, तो मैं चुपके से ब्लैक ड्रैगन की बेस पे गया और उसकी एंडर चेस्ट चुरा ली, किसी को बताना ना। देन मैंने एंडर पर्ल्स और ब्लेज पाउडर को जमा करके एंडर आइज बनाई। देन मैं नेदर से होते हुए स्ट्रॉन्ग होल्ड आया।
बट ये स्ट्रॉन्ग होल्ड तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो रास्ता शायद स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं कहीं और जाता था। और काफी ज्यादा देर माइनिंग करने के बाद मैं फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड तक पहुंच गया। और जब मैंने नीचे की तरफ डिग किया तो मैं गिरा भी सीधा पोर्टल में। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। फिर मैंने अपनी पोर्टल को एक्टिवेट किया, और एक्टिवेट करने के बाद एंड पोर्टल काफी प्यारी लग रही थी। और अब मैं रेडी था एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं एंडर ड्रैगन को डिफीट करूंगा। तो मैंने जाने की तैयारी कर ली एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए, और अब मैं तैयार था एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। तो मैं कूद गया एंडर ड्रैगन की झोली में। जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो मेरे दुश्मन ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद थे। एंडर ड्रैगन को मारने के बाद मैं इलाइट्रा लेने के लिए एंड डायमेंशन में आ गया। और आते ही यहाँ पे बड़े बड़े वॉइड देख के मेरी कांपे टांगनी शुरू हो गई। और इन्हीं कांपती टांगों से मैंने ब्रिज बनाया ताकि मैं दूसरे आइलैंड पे जा सकूँ। और मैं इधर उधर फेर ही रहा था कि अचानक से मेरे सामने एक एंड सिटी आ गई, और इस एंड सिटी में एक एंड शिप भी थी। देन मैंने इस एंड सिटी को लूटना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे फाइनली मैंने आइटम फ्रेम से इलाइट्रा उतार लिया है, और सारी की सारी एंड सिटी लूट ली है, जिसमें काफ़ी अच्छी लूट मिली है। इलाइट्रा तो मिल गया, पर मैं उड़ के वापस नहीं जाने वाला। हाँ, ग्लाइड करके चले जाते हैं। मैं थोड़ा सा ही और आगे गया था कि मुझे एक और एंड सिटी मिल गई, और इस एंड सिटी में एंड शिप थी। ऐसा चंक बेस दिखा रहा था, बट इसमें कोई एंड शिप नहीं मुझे मिली। और मैंने सारी की सारी एंड सिटी तो लूट ली, पर इलाइट्रा मैं दूसरा नहीं ले जा सका अपने दोस्त बिनिया के लिए। देन मैं जा रहा था और अचानक से मुझे एक पोर्टल मिल गई। पता नहीं मेरी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है। एंडर पर मारा और एंड आइलैंड पे आ गया, और एंड आइलैंड से मैं वापस ओवरवर्ल्ड चला गया। इसे कौन ही पढ़ता है, स्किप करो। जब मैं वापस जा रहा था तो रास्ते में मुझे ब्लैक ड्रैगन मिला, जो कि एंडर ड्रैगन को मारने जा रहा था। उसके बाद मैंने इलाइट्रा पहना और पहली उड़ान भरी ऊपर हवाओं में। चारों तरफ कोरा ही कोरा, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रही है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।